हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMIA पे। दोस्तों, फिर बात करेंगे कंफर्ट इंटेक लिमिटेड की, क्योंकि इस वीक में भी इस स्टॉक में जो है वीकनेस देखने को मिली है। ये स्टॉक जो है फ्राइडे के दिन भी 0.43% के हिसाब से गिरा है और इसकी करंट मार्केट प्राइस 4.64 की है। तो आइए इसके भी एसेंशियल पैरामीटर स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या टारगेट रह सकते हैं और इस स्टॉक में अब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, नए आए सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी कर दें और आगे शेयर करना मत भूलें। दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी आपको बताते रहते हैं, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी जो स्टॉक मार्केट हो, वो फंडामेंटल्स के हिसाब से ही चलती है। यदि किसी स्टॉक के या यदि स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे तो ही उस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसके जो फंडामेंटल्स हैं उनको चेक कर लेना चाहिए। तो आइए इसके एसेंशियल पैरामीटर पहले स्टडी कर लेते हैं। पहले देखो दोस्तों, इस स्टॉक की जो मार्केट कैप है दैट इज 148.45 करोड़। एक माइक्रो कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, NBFC सेक्टर की कंपनी है और इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं दे आर नियरली 31.99 करोड़, या आप कह सकते हो 32 करोड़ के इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब पीई रेशो का डाटा देख लेते हैं। इसकी करंट जो पीई रेशो है 25 के अराउंड चल रही है और प्राइस टू बुक रेशो देख लो 1.34 के अराउंड है। मतलब वैल्यूएशन जो है थोड़ी सी हायर एंड पे जरूर दिखाई दे रही है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.11% का है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट देख लो इसका 4.80 करोड़ आया है और प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में 57.46% की है। तो एक बड़ा स्टेक जो है वो प्रमोटर के पास है। ये एक अच्छा ट्रेंड है क्योंकि प्रमोटर ने अपना जो है स्टेक वो हाई मेंटेन किया हुआ है। लेकिन इस पे आपको नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में भी चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, प्रमोटर भी कई बार अपना जो स्टेक है वो रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इसके जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसको जरूर चेक करते रहें। साल के साथ इसकी जो सेल्स की ग्रोथ है और इसके फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं। दोस्तों, सेल्स की ग्रोथ देखो, टोटल सेल्स की ग्रोथ इसकी 8.14% की आई है। लेकिन दोस्तों, यदि प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो वो नेगेटिव है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यही दिक्कत अभी सबसे बड़ी इस कंपनी में चल रही है, इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ अभी नेगेटिव है। ऊपर से देखो इसके जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स हैं, ROE परसेंटेज 4.57% की है और ROCE परसेंटेज देख लो 6.54% की है। तो ये भी इतनी हाई नहीं है। जनरली दोस्तों, हमने आपको बताया है जो अच्छी कंपनीज हैं उनकी जो ROE परसेंटेज है वो डबल डिजिट में एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी उस स्टॉक में निवेश का एक सही जो है मौका मिलता दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे 4% एंड ROCE परसेंट 6.54% की है, ये भी थोड़ी कंसर्न वाली बात है। ऊपर से अभी प्रॉफिट की ग्रोथ नेगेटिव आ चुकी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जितनी देर तक कंपनी अपने प्रॉफिट को और सेल्स को डबल डिजिट में ग्रो नहीं करती है तब तक थोड़ी दिक्कतें इस स्टॉक में रह सकती हैं, तब तक इस स्टॉक में थोड़ा आपको नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आइए इस स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या इस स्टॉक में स्ट्रेंथ निकल कर आ रही है। सबसे पहली जो बात है दोस्तों, दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट 0.67 times द बुक वैल्यू। मतलब करंटली ये जो स्टॉक है अपनी बुक वैल्यू के 6 कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। ऊपर से जो इसकी ऑपरेटिंग इनकम है दैट हैज ग्रोन वेल फॉर द कंपनी ओवर द पास्ट 3 years एंड 3 years CAGR हैज बीन रिपोर्टेड एज 34.84%। दोस्तों, इसकी ऑपरेटिंग इनकम में बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिल चुका है और कंपनी हैज गिवन ए सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 84.66% ओवर द पास्ट 3 years। मतलब लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं और प्रमोटर की होल्डिंग भी हाई है, ये हम आपको बता चुके हैं पहले भी। तो ये कुछ इसके प्लस पॉइंट हैं। मतलब लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट हैं, कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम में, कंपनी की प्रॉफिट में लास्ट 3 years में बहुत ही शानदार ग्रोथ है। 3 years CAGR जैसे हम आपको बता चुके हैं ऑपरेटिंग इनकम में 34.85% की है, जबकि सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 84.66% की है ओवर द लास्ट 3 years। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और प्रमोटर की होल्डिंग भी क्वाइट हाई है। लेकिन दोस्तों, लिमिटेशंस क्या है, कंपनी की रिटर्न ऑन द इक्विटी जैसे हम आपको बता चुके हैं वो लोअर है और सिमिलरली ROCE परसेंटेज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है दैट इज 4.20% ओवर द 3 years। तो मतलब कंपनी की ROE
एंड आरओसीई परसेंटेज वो नहीं बढ़ रही है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, यही सबसे बड़ी लिमिटेशन इस स्टॉक में अभी देखने को मिल रही है, जिसके कारण के स्टॉक जो है थोड़ा वीकनेस शो करता दिखाई दे रहा है। तो जब तक कंपनी की आरओई परसेंटेज इंक्रीज नहीं होगी, जब तक कंपनी अपने फंडामेंटल्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नहीं करेगा, तब तक थोड़ी दिक्कतें इस स्टॉक में रह सकती हैं, क्योंकि पहले ही ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दे चुका है, स्टॉक स्प्लिट भी दे चुका है, लेकिन अब ये जो स्टॉक है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में चल रहा है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया है जो लेटेस्ट क्वार्टर, दोस्तों दो तरह के रिजल्ट्स होते हैं, पहले नोट कर लो, एक होते हैं जीरो जीयर बेसिस पे रिजल्ट्स, दूसरे होते हैं क्वार्टरली नंबर्स। किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स दो तरह के होते हैं, क्वार्टरली एंड जीरो ऑन जीरो बेसिस पे। दोस्तों क्या होता है, जो क्वार्टरली नंबर्स होते हैं उसमें अप्स एंड डाउन देखने को मिलता रहता है, कई बार कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई बार कुछ सेक्टर वाइज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल जो है इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, उसके कारण कंपनी के जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे होते हैं जीएलई नंबर्स, यदि कंपनी जीएलई बेसिस पे अच्छा ट्रेंड शो करती दिखाई दे रही है तो मतलब है कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म की फंडामेंटल्स कितने इंटैक्ट हैं, ये रेवेन्यू का डाटा है लास्ट 5 ईयर्स का, कंटिन्यूसली इसके रेवेन्यू में जंप ही देखने को मिल रहा है, तो रेवेन्यू सेल्स वॉल्यूम कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल जरूर इंटैक्ट हैं, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, दैट्स ओके, बट कंपनी की सेल्स वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसके स्टॉक में थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं। यहाँ पे देखो जीएलई डाटा, चलो ये रेवेन्यू का पहले हमने शो कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखो इसका जो 23 का जो प्रॉफिट का डाटा है, यहाँ पे देखो लास्ट 3 ईयर से रिड्यूस हो रहा है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो आरओई परसेंटेज भी रिड्यूस होगी और साथ के साथ आरओसीई परसेंटेज भी रिड्यूस होगी। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है, यदि कंपनी आने वाले टाइम में अपने प्रॉफिट को ग्रो कर लेती है तो आरओई परसेंटेज भी इम्प्रूव हो सकती है, आरओसीई परसेंटेज भी इम्प्रूव हो सकती है, तो इसलिए अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कतें रह सकती है। यदि 6 मंथ का डाटा देखें, अभी ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में दिख सकता है और इसकी जो लॉन्ग टर्म की कंसोलिडेशन रेंज है वो 4 से नीचे ही है, 3 से 4 तक इसकी जो है कंसोलिडेशन रेंज है। तो यदि आप इस स्टॉक को अकमुलेट ही करना चाहते हो तो अभी वेट कर लो, इसमें और भी डिप आ सकता है क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यदि ये स्टॉक 3 से लेकर 4 के बीच में मिलता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का सेल्स बढ़ रहे हैं मतलब कंपनी का बिजनेस तो एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में दिक्कत है मतलब कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट क्यों बढ़ती है दोस्तों, दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है कंपनी की इनपुट कॉस्ट जिसपे एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाती है, जहां कोई मटेरियल कॉस्ट आ जाती है, तो सेकंड होती है जो इंटरेस्ट कॉस्ट, जो कंपनी डेब्ट लेती है उसके ऊपर भी थोड़ा कंपनी को जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इनपुट कॉस्ट का प्रेशर अभी कंपनी के ऊपर दिख रहा है, तो इसलिए इस स्टॉक को डिप में बाई करने की कोशिश करें और शॉर्ट टर्म की कोई भी अभी पोजीशन ना बनाए। यदि आपको अकमुलेशन ही करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही अकमुलेट करें, शॉर्ट टर्म में अभी दिक्कतें रह सकती हैं, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे अभी ये स्टॉक होता रहेगा। तो 3 से लेकर 4 के बीच में इसका एक बहुत ही बड़ा जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मेनली हम आपको बताई देते हैं कहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है, 3 से लेकर 3.28 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यदि ये स्टॉक इस लेवल के बीच में आपको मिलता है तो आप इसको कमुलेट कर सकते हैं, तो अभी हायर लेवल पे एंटर करने की कोशिश मत करें। थैंक्स अगेन, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए इन्वेस्टमेंट आइडिया के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और हम यहाँ पे लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्टॉक में फंडामेंटल्स के बेसिस पे, फाइनेंशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको निवेश की राय देते हैं। थैंक्स अगेन दोस्तों, आप अपना कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर करें, हमारे जो चैनल है उसको जरूर शेयर ज्वाइन करें और आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर ये जो चैनल है उसको शेयर कर दें, वीडियो शेयर कर दें। थैंक्स अगेन।